अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, ठीक होंगे, आज एक नई वीडियो के साथ। और वो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ST288 है। तो आज हमें जाना है सन डायरेक्ट पे, और ये फॉर एवर के ऊपर ये रेड हुए खड़े हैं चैनल्स। तो हम देखेंगे कि आया ये सन डायरेक्ट मी सेट 91 ईस्ट ये भी ऑन है या अभी तक ही ऑफ जा रहा है। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि हमारा फॉर एवर एक्टिव है। अब हम चलते हैं सीधे सन डायरेक्ट की तरफ, मतलब है मी सेट। तो मैं आज आपको डीएस कैम प्लस गोडा सर्वर और प्लस फॉर एवर, इन तीन के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए। और फिर मैं आपको ये सारी आगाही इसी वीडियो में दे रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि सन डायरेक्ट का अभी तक कोई चैनल भी ऑन नहीं हुआ फॉर एवर पर। ये FTA चैनल 93.5 ईस्ट के, ये भी इसके साथ आ रहा है, खासतौर पर ये 11.90 वाली फ्रीक्वेंसी। हम अपनी वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते, और मेरी जो कोशिश होती है, मैं कहता हूं कम अज कम जो वीडियो हो 5 मिनट से ज्यादा उसकी लेंथ ना हो वीडियो की, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है नफसा नफसी का, हर बंदा जल्दी में है, वो सिर्फ से स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आया कि शायद ये नेट के ऊपर ज्यादातर झूठ होता है। नहीं मेरे भाई, झूठ नहीं होता, सच्चाई के भी अपने पांव होते हैं, सच्चाई हमेशा कायम रहती है। तो ये आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास कोई भी चैनल रेड नहीं हुआ फॉर एवर पर। इसका मतलब ये है कि फॉर एवर सर्वर इज नो वर्किंग ऑन सन डायरेक्ट मी सेट 91 ईस्ट। तो मेरे पास जो आज चैनल्स आए हैं, मतलब 93 के चैनल को अगर मिलाया जाए और इसके चैनल को मिलाया जाए तो तकरीबन 547 ये मेरे पास चैनल बन रहे हैं। तो अब हम लगाएंगे गोडा सर्वर वाला रिसीवर, और फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसको अभी हम फिलहाल करते हैं ऑफ। तो ये गोडा सर्वर वाला रिसीवर की आप सर्चिंग देख रहे हैं मी सेट के ऊपर। वो जैसे चैनल्स मुकम्मल होते हैं, मतलब स्कैनिंग का मरला, तो फिर मैं चैनल लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये चैनल लिस्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हम अपने रिसीवर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा गोडा सर्वर ऑफ है, इसको हम अभी करते हैं ऑन। ये हमारा गोडा सर्वर हो गया ऑन, और ये इंक्वायरी आप देख सकते हैं 29/9/2022। और फिलहाल ये डीएस कैम को करते हैं ऑफ, क्योंकि ये ऑन है। तो ये अब आपके सामने ये 12276 वाली फ्रीक्वेंसी टाटा स्काई की तरह इन्होंने भी कॉपी की है, सन डायरेक्ट वालों ने भी, क्योंकि पहले ये चलते थे, अभी इनकी कार्ड शेयरिंग नहीं हो रही, ये कोई चैनल भी काम नहीं कर रहा इसके ऊपर गोडा सर्वर के ऊपर। ये 12316 कोई चैनल भी वर्क नहीं कर रहा इसके ऊपर भी। अब 12356 ये फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी के चैनल्स जो आने वाला दौर है वो तकरीबन IPTV का ही है, और IPTV पर ही आपको ज्यादातर चैनल मिलेंगे, क्योंकि डिश का सेटअप अभी बैठता जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी तरफ लोग तवज्जो कम दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो लोगों की तवज्जो है वो तकरीबन IPTV की तरफ है। कोई एक भी चैनल नहीं ऑन हो रहा, कोई एक तो हो जाता। ये फ्रीक्वेंसी है 12436, नेट जियो वर्ल्ड बिल्कुल नहीं चल रहे, BBC अर्थ। तो फिलहाल इसको करते हैं ऑफ, और अब हम देखते हैं डीएस कैम को। ये हमारा डीएस कैम हो गया ऑन, और ये इंक्वायरी आपके सामने 2/4/2023 तक इसकी लिमिट है, और गोडा सर्वर को करते हैं ऑफ। तो ये हमारा गोडा सर्वर हो गया ऑफ, नहीं कोई भी नहीं चल रहा, Sony 10-1। ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं डीएस कैम का, ये एंड फ्लिक्स। तो डीएस कैम आल्सो
नो रिस्पॉन्स ऑन मी सेट 91 ईस्ट ये जी एन मोल बट नो वर्किंग ऑन प्रोग्रेस जीरो ये जी सिनेमा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने टोटल चैनल उठाए हैं 516 तो उसने चैनल ज्यादा उठाए थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में भी हमारे मुतालिक कोशिश किया करें, और कोई आपकी आ रहा है या कोई आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उसके ऊपर जाकर आप मुझे कॉल बैक या मैसेज ओनली व्हाट्सएप। टाइमिंग मेरी 6 से 10 है। अपना और अपने घर वालों का और अपने दोस्त अहबाब का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। शुक्रिया।